हेल्प कर दूं? नहीं नहीं मैं कर लूंगी। नमिता, हाँ? नाराज हो मुझसे? I'm really sorry। अरे नहीं भाभी, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी, और मैं आपसे नाराज हो भी नहीं सकती क्योंकि आप मेरी प्यारी सी भाभी हो। वैसे कहना तो मुझे तुम्हें थैंक यू चाहिए। ये क्या बात हुई, पहले आप सॉरी बोल रही थी, अब थैंक यू बोल रही हो। और क्या, अगर तुम नहीं होती तो शिवम मेरी शादी कैसे होती? भाभी अब इतना भी मत चढ़ाओ मुझे। मैं तुम्हें चढ़ा नहीं रही, दिल से बोल रही हूँ थैंक यू। लेकिन दिल से कुछ और भी कहना है तुम्हें। क्या? मिमी, जब दादी की तबीयत खराब हो गई थी ना, मैं सच में बहुत डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे बिहेवियर की वजह से तुम्हें डांट पड़ी। पापा जी और दादी ने तुम्हें बहुत डांटा। अरे भाभी आप इतनी सी बात क्यों लेके बैठ रही हो? भाभी दादी मुझे हर दिन ना डांटने ना, मेरा खाना तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, ये तो मेरा डेली डोज है, लेना ही पड़ता है। वैसे भी दादी पापा मुझे नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे, आपको? हाँ पर एक बात तो जरूर है, आपको डांट तो जरूर पड़ेगी पर एक दो साल बाद, क्योंकि अभी तो आप जूनियर हो ना इसलिए। तो क्या तुम मुझे डरा रही हो? मैं मजाक कर रही हूँ भाभी, आप टेंशन मत लो। वैसे भाभी किचन का कैसा चल रहा है? अरे बाप रे, मुझे तो सब्जियां काटनी थी, मैं भूल गई, मैं सब्जियां काट के आती हूँ। ठीक है। चला, मैं तो तुम्हारी बड़ी चिंता होती है, अभी भी गुस्सा घूम रहा है तुम्हारी नाक पे, लाने को बात ही समझ में नहीं आ रही। हमें सब सब साफ साफ दिखता है अम्मा, और अब तो और ज्यादा साफ दिखने लग गया है। तुम बस हमसे बात मत करो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ईले का दुश्मन बन गए हम तुम्हारे। दुश्मन से कोई कम भी नहीं हो तुम। नानी जी, ये ना हम ये दो पर्स लेके आए थे, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, आपकी मनपसंद का पहनेंगे, बताइए ना कौन सा लें इसमें से। रनिया, ऐसे घर में मोरनी बन के नाचने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, घर के अंदर ही पर्स लटका के घूमती रहे, जा। एक काम कर बिटिया, एक कोना पकड़ के बैठ जा, काहे इतनी उतावली हो रही है, जब हम चलेंगे ना तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ ले जाएंगे। कहाँ रे अमितवा, हैं? आज अम्मा पे इतना प्यार आ गया कि नानी को भेज दिया मिश्रा जी की मैयत में, हैं? तू तो कहता था तू हमारी पूजा करता है रोज, हमारी लंबी उम्र की कामना करता है, अगर तू ऐसे हमसे मुंह चुराएगा तो लंबी उम्र का हम मुरब्बा बनाएंगे। काका नहीं किया तुम्हारे लाने, और काका नहीं सोचे, अरे अमितवा के लिए ही करेंगे, उस सरला को ही देंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारी शादी की, अभी तो तुम्हारे बच्चों के साथ आंगन में खेलना है और काका करना है। हम जानते हैं तुम लोगों को हम पे गुस्सा है कि हमने रिया और शिवम की शादी करा दी, ये फैसला हमने खुशी से नहीं लिया, लेना पड़ा और तुम्हारी अम्मा के कारण, ऊपर पंच करने में जो लगी हुई थी मजबूरी, हमें फैसला लेना पड़ा, क्या करते? तू तो जानता है ना कितना प्यार करते हैं तुमसे, है? तो अब तुम लोग ही बताओ हमारे साथ आ रहे हो कि नहीं, बता दो। नानी जी हम चलेंगे ना आपके साथ, कोई चले या ना चले
हम आपको दुखी नहीं देख सकते हैं ना, इसीलिए हम तैयार होके आ गए। हमारे मना करने के बाद भी तैयार हो गई है रनिया, इसे तो जितना उड़ना है उड़ ले, इसके पंख तो हम काटेंगे। का नानी नानी लगा रखा तुमने, हमारी नानी है तुम्हारी नानी नहीं है। हमें नानी के पहले नानी का इतना सगा बन रहा है, देखी लड़की तो सरक रही है हमारे साथ, तो काहे नानी चल रहा हमारे साथ? नानी हम आपसे बता रहे हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन हम उस घर में नहीं चल पाएंगे। वो कहे ना कि रनिया कब से डटे हैं हम यहाँ, शरबत पानी ना ही पिलाओगी का? हाँ नानी जी लाते हैं। हाँ हम ना शिवम को रिया के साथ नहीं देख सकते, बहुत बेइज्जती की है दोनों ने मिलके हमारी। तुम्हारी अम्मा तो गुस्से में पागल हो रही है, हमारी बात ही नहीं समझती, पर तू बता हमने इतना बड़ा शांति सदन काहे बनाया? अरे तुम लोगों के लाने हैं, तुम लोगों के लाने हैं। अरे कभी महल में घुसने के लाने, सब झुकाना पड़े तो झुका लेना चाहिए। काहे वो रिया और शिवम के बारे में सोच रहा है? मत सोच, हमारे बारे में सोच। अरे वो दोनों की वजह से तू रघुवा की नजरों में काहे गिर रहा है? रघुवा को भी पता चल जाएगा कि उसकी बहू कौन काम की नाई है, उसकी बगिया में तुम ही फूल हो। अरे रहने दो अम्मा, हाँ नहीं तो चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, हमें सब मालूम है, हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे बस। हमने बहुत देख लिया है कि कौन किसकी नजरों में कितना ऊपर है, मुंह में तो अमित अमित करती रहती हो और जब बगल में बिठाने का टाइम आया तो शिवम को बीच में बिठा लिया, तो हमें तो तुम्हारी बातें बस हवाबाजी ही लगती हैं। हाँ हमने अमितवा के साथ कोनो ना इंसाफी नाई की है, हाँ? अरे तुम लोग काहे समझ नहीं रहे हो, वो चालाक लोमड़ी रिया घर में आती ना तो तुम दोनों को अपने ही मोहल्ले में भीख मांगनी पड़ती, समझ हमारी बात? समझ तो नहीं, नहीं अब तुम चाहे जो भी कहानी बना लो, हमारा बेटा तो पूजा में नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है, मत आना, नहीं मत आना। कहा है तुम्हारी जगह पे रघुवा होता ना तो भी अपनी अम्मा की बात मानता, तो तुम मत आना। अरे सरला रामायण याद है ना, हैं? जब सीता मैया नहीं थे ना तो राम जी ने सीता मैया का पुत्र बगल में बिठाया था। अगर भगवान ऐसा कर सकते हैं तो हम काहे नहीं करेंगे, हैं? बताना तू, रनिया तो आ रही है ना, हैं? रनिया को बिठा देंगे हम पूजा में, उसके बाजू में बिठा देंगे अमितवा का पुत्र, कर लेंगे पूजा, पर सोने का पुत्र नहीं बना सकेंगे, हाँ? मिट्टी का बना देंगे, पूजा हो जाएगी। अब जो भी नेक देना है, जो 5 लाख रुपए देने हैं, वो हम दे देंगे मंदिर में तुम्हारे नाम पे, हैं? दे देंगे। अरे नहीं मंदिर में कायदे है ना, मंदिर में कायदे हम दे देंगे रनिया को, वो आ रही है ना हमारे साथ, मंदिर में काहे देंगे, रनिया को दे देंगे। अब अमित आता तो अमितवा को देते, पर अब नहीं तो दे देंगे हम रनिया को। अरे ओ रनिया, शरबत बनाया कि हम खुदे बना ले? हाँ नानी जी बना लिया, ये लीजिए। ई मिठाई का टिफिन रख देना और आज से तुम्हारा नाम है जबरन बहू। जबरन जहाँ घुसना ही नहीं चाहिए वही तुम गाड़ी लेके जबरन घुस जाती हो, जबरन बहू। पीजिए ना, बहुत अच्छा बनाया हमने। रख दे वो मिठाई, या रख दे। कुछ करो यार, वो तो पैसा देने की बात कर रही है, 5 लाख रुपए, अब नौटंकी बंद करो चलो।
अरे अकलमंदी तो इसी में है कि हम चले जाएं पूजा में, लेकिन अभी जो नाटक का तंबू गाड़ा हुआ है उसे अचानक उखाड़ के कैसे चले जाएं? अरे उखाड़ो तंबू, सोचो कुछ, कैसे भी सोचो, तब तक चलो। अरे नानी, नानी देखो आपको तो पता है कि हम आपको दुखी नहीं देख सकते, आपको मना नहीं कर सकते किसी भी चीज को लेके, तो हम भी चलते हैं साथ। आप इतना यहाँ तक आए हो, चलते हैं हम साथ, हम तैयार होके कुर्ता उर्ता डाल के आते हैं। हाँ भैया पार्लर में अभी टाइम लगेगा, बाद में बात करते हैं आपसे। हाँ परी। अरे कहाँ हो, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम? सॉरी परी, पर मैं अभी मिलने नहीं आ सकता। मिलने नहीं आ सकता? पर तुमने तो बोला था तुम आओगे। हाँ कहा था, पर अभी नहीं आ सकता मैं, सॉरी परी। तो कब से हम कॉफी शॉप के बाहर वेट कर रहे हैं, पहले बता देते। मैंने मैसेज तो किया था। हमें नहीं मिला कोई मैसेज। अच्छा हो सकता है, बट सॉरी परी आज तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, बाद में बात करता हूँ। सब पूरा मान जाएंगे। अच्छा बेटा, जब तक आई लव यू नहीं बोला था तब पीछे पीछे सरप्राइज लेकर आता था, और अब कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अम्मा हम तो नहीं आएंगे पूजा में, और हमारे घर से भी कोई नहीं आएगा, हम तो साफ साफ बता रहे हैं कि हम। अरे ओह भगवान, हमें बहुत चक्कर आ रहे हैं, हमारे सिर एकदम घूम रहा है। हम दबा देंगे आपका सर। गला दबा दो तुम तो। है ओहो, हमसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे अमित, अमित, अरे मम्मी, चक्कर चक्कर मम्मी, मम्मी तो बेहोश हो गई, मम्मी तो बेहोश हो गई। अब ऐसे तो हम छोड़ के नहीं जा पाएंगे ना पूजा में। अब पूजा तो होगी, ऐसे ही ले चलो सरला को, हैं? हम तीनों को रिक्शा में बिठा दो, तुम फटफटी पे आ जाओ। अम्मी जी रिक्शा, रिक्शा बुला लाइए। अरे रिक्शा का, रिक्शा लेने जाएगा तो ये सरला को कौन उठा के नीचे लाएगा, रिक्शा मिल जाएगी। चलो हम चलते हैं, तू उठा के ले आ। हैं उठा के लाया। चल 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 चल, रिक्शा ढूंढते हैं चल। अरे यार मम्मी, और कहीं नाटक नहीं मिला था, उठा के लेके जाएंगे आपको। कैसे चलो नीचे तक, आप कैसे उठा? अरे कैसे का उठाओगे, रखो इधर हाथ। चल जल्दी, जब बोले तो कूद रहा। उल्टी गिनती, उल्टी गिनती। तीन दो एक कूदो। चलो चलो निकले हैं, रिक्शा को बुलाओ। हाँ नानी, फिर से होश में आ जाए ना, इंशाल्लाह उसके पहले पहुंच जाए। हैं बुला भाई, रिक्शा भी नहीं दिख रही। वो देखो नानी, रिक्शा, रिक्शा वाले याद आ गई, तुमको उठाए उठाए बता रहे। अरे पागल हो गया क्या, इतनी जल्दी होश में आ जाएंगे तो बेहोश होने का फायदा क्या है? तो हमारी हालत खराब हो रही उसका का। अरे यार रानी, रिक्शा को बुलाओ ना यार। अरे देख तो रहे ना, हम खुद ही रिक्शा बन जाएगा, आने दो ना रिक्शा को, फिर रोकेंगे उनको। ढूंढ के लाओ कहीं से, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। देख रहे हैं, रुको। चले आ गए रिक्शा, चलो चलो चल 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 रानी, बैठ तू अंदर, पहले तू जा, पहले तू जा। अभी थोड़ा होश में आ जा, संभाल लो। अरे अरे रुको 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 भैया, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कितना हुआ? 30 रुपया हुआ मैडम। 30 रुपया? वो मिल नहीं रहा है। ये ले लो भैया। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों दे रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं मैडम, इधर साइड दो। अच्छा हम तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पे चलते हैं। ठीक है। लाइफ में ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, कभी कार वाला ना मिले तो बाइक वाले से काम चला लेना चाहिए। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा, हमें ना बहुत जोर की भूख लग रही है, पास में एक ही अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं। ठीक है चल।
वो गिर रहा है, जरा ध्यान दो, क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर, उठा उठा दो, तो तुम बोरी ढंग से पकड़नी नहीं आती है, तुम रहने दो। मैंने क्या किया? ऐसे मुझे बोला क्या हुआ? ये देखो क्या किया यहाँ पे दोनों को, दोनों उठा देता। कोई बात नहीं बेटा, रिया बट तुम रहने दो, तुम मत करो, प्रीति जाना। इतनी मोटा गई है सरला, इतना वजन बढ़ गया है। नानी जी हमको भी ऐसे लग रहा है। हाँ ऐसे तो फैल के गेंडा बन जाएगी, वर्जिश फर्जिश करानी पड़ेगी, ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ ओ माँ, ओ हो हो, बहुत ही वजन बढ़ गया है, हमारा तो कंधा ही सरक गया। ए बिटिया तू जरा तेरे कंधे पे ले ले, तो आराम से लेना है। ओहो अब तो आ गई है ना, रोज सुबह शहर के लिए ले जाना, और ये मिठाई मलाई घी मक्खन सब कुछ बंद। हाँ, बस उबला हुआ खाना देना। ठीक, शरीर ठीक रहेगा जरा तो ही दिमाग चलेगा ना, वरना ठस हो जाएगा, बता रहे हैं सच में। हाँ नानी जी, हम ना उबली हुई सब्जियाँ खिलाएंगे मम्मी जी को, और हाँ सूखी दो रोटी भी खिलाएंगे। अब हम आ गए ना तो मम्मी जी को एकदम ठीक कर देंगे। अच्छा देखो तो जरा, जब से नैनी जी गा रही है जबरदस्ती की बीमारी। अरे कल से अगर हमने तुम्हारे मुंह में उबला हुआ खाना नहीं ठूसा ना, तो हमारा नाम भी सरला नहीं, हमें दो सूखी रोटियां खिलाएगी। बड़ी आई, आपको मदद चाहिए? अम्मा जी से बात हुई का? अरे वो फोन लगा रहे हैं। ओके पता नहीं क्या किया होगा ना, भाभी से देखा। चालू हो तो बोरी, तुमने अच्छे से नहीं पकड़ी थी, मेरा नाम क्यों लिया? तो गलती भी तो तुम्हारी है ना। मेरी गलती है? क्या किया मैंने? वाह, एक तो आके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, ऊपर से पूछ रही हो क्या गलती है तुम्हारी। मैंने तुम्हारी हेल्प की है, डिस्टर्ब क्या किया मैंने? अगर तुम मेरा अगर हाथ पकड़ोगी तो डिस्टर्ब तो होंगे ना, मैं तुम्हें देखूं या गेहूं को? आओ तुम उसे। अरे 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 फिर से गिर रहा है। आप सामने आके ऐसे डिस्टर्ब करोगी तो गेहूं को देखूंगा या तुम्हें? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।